हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही अच्छी स्पाइसी सी मूंग दाल और टमाटर की सब्जी। इसको बनाएंगे आप लोग तो आपको खुद भी बहुत अच्छा लगेगा और साथ में जब सर्व करेंगे तो खाने वालों को भी अच्छा लगेगा। और ये पता है क्या हुआ कि जो हमारे पास में मूंग दाल होती है ना, ये उससे बनी हुई है। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या लिया है। मैंने सबसे पहले कढ़ाई में डाला यहाँ पे 2 पूरा फुल भर के टेबल स्पून ऑयल। ये कुकिंग ऑयल है। इस कुकिंग ऑयल को मैंने गरम किया और गरम करने के बाद में मैंने इसमें जीरे का तड़का डाला। जीरे को थोड़ा सा अच्छे से चटकने देते हैं ताकि वो बढ़िया फ्लेवर दे। और इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ये मैंने लिया है लहसुन। ये जितनी कलियाँ हैं लहसुन की, इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे जब तक हमारा जीरा रेडी हो रहा है, और फिर इसके बाद में हम इसको इसमें डालेंगे। ये मैंने डाला इस तरह से और धीमी आंच में इसको हम पकाएंगे अभी, क्योंकि तेज में करेंगे तो जलने का भी डर है। तो धीमी धीमी आंच में ये पकेगा। तब तक हमने ये प्याज ली, ये मैंने 2 प्याज लिया हुआ है। और जब तक लहसुन अच्छे से पक रहा है तब तक मैं इस प्याज को काट लूँगी बारीक बारीक, और इसमें जब बढ़िया सुनहरा हो जाएगा तो प्याज डालूँगी मैंने। ये मैंने प्याज डाला और इसको धीमी आंच में पकने दूंगी मैं। और ये देखिए धीमे धीमे अब ये पकना शुरू हो गई है। तो इस तरह से मैंने चलाया इसको, इसको हम चलाते रहेंगे बहुत आराम से। जितना आराम से सेकेंगे उतनी ही बढ़िया इसकी खुशबू और इतना ही अच्छा उसका कलर आता है। और ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी धीमी धीमी खुशबू आने लगी है। यहाँ पे जो प्याज है जब पकती है तो वाह, बहुत ही बढ़िया खुशबू देती है ये। तो ये देखिए अब जब प्याज पक रही है तब हम लोगों ने टमाटर, तब तक मैंने वॉश किया अच्छे से। और ये 5 टमाटर लिए हैं मैंने। इन 5 टमाटर को धो करके मैं अच्छे से बारीक काट लूँगी। तब तक मेरी ये प्याज भून करके रेडी हो जाएगी। तो ये मैंने देखिए टमाटर कटे हुए ये डाला इसमें। और क्योंकि टमाटर को पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए जब तक प्याज है उसके साथ में ये आराम से पक जाता है। लेकिन फिर भी इसमें मैं 1 चम्मच नमक डालती हूँ। तो ये मैंने 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया है। अब इसमें मैं धीमे धीमे करके एक एक मसाला डालूंगी। ये मिर्च है, इस मिर्च को मैंने डाला। और इसके बाद में इसमें मैं दूसरा मसाला डाल रही हूँ, ये है हल्दी। 1 चम्मच हल्दी लिया मैंने, इसको डाला है। साथ में ही अच्छा कलर हल्दी से आ जाएगा, लेकिन साथ में मुझे धनिया डालना है। तो ये 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया डाल दिया। और इस तरह से देखिए इसके मसाले ऐड करते गए और अब ये हमने चलाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर अब जो पहले से मूंग दाल ये भीगी हुई रखी थी, ये मैंने ले लिया अच्छे से। और इसको करीब मैंने 2 घंटे भिगा करके रखा था। और जब बढ़िया धुली हुई मूंग दाल है ये, और फिर धुलने के बाद में भिगा दिया था। और भिगाने के बाद में मैंने अभी इसको यूज़ किया है। तो ये मैंने अपने जो भुना हुआ मसाला है इसमें मिला दिया। इसमें हल्दी, मिर्ची, नमक सभी कुछ मिला हुआ है। तो नमक के कारण से ये धीमे धीमे करके पकने लगेगा। इसको मैंने थाली ढक दिया ताकि इसका अच्छे से ये पक सके। तो अब ये देखिए बीच बीच में मैं इसको निकाल रही हूँ और चला रही हूँ। और फिर इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली, और ये जो हींग है अच्छा फ्लेवर देती है, अच्छी खुशबू देती है। तो इसको हमने यहाँ पे डाल दिया और एक बार फिर से इसको ढक दिया। जो मूंग दाल होता है उसमें हींग डालेंगे तो उसका फ्लेवर बहुत बढ़ के आएगा। तो ये हमने इस तरह से कर लिया। और बहुत ही धीमी धीमी आँच है इसलिए पकने में भी बहुत टाइम नहीं लेता ये। और मूंग दाल है, यहाँ पर कोई भी पानी अलग से मैंने ऐड नहीं किया है। सिर्फ जो टमाटर और प्याज और नमक है इसकी वजह से ये पकेगा। बीच बीच में हमको चलाते रहना है। और इस तरह से इसमें कितनी भी टमाटर की जो कट हमने डाला है उसके जो पीसेस डाले हैं वो मिक्स हो जाते हैं। और ये देखिए ये मैंने इसको सर्व किया। ये हमारे खाने के लिए रेडी है। आप लोग चाहें तो इसमें बढ़िया सी धनिया की गार्निशिंग कर सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए आप लोगों को ये बनाना भी बहुत आसान है, बहुत आसानी से बना पाएंगे आप, और इसको आसानी से सर्व भी कर पाएंगे। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।